मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, मोहन सरकार का जो बजट आएगा उसमें किसानों को भी कई उम्मीदें रहती है, क्योंकि इस बजट में हर वर्ग के लिए सरकार कुछ ना कुछ लाभकारी योजनाएं, लाभकारी प्रावधान करती है। तो किसानों को भी इस बार मध्य प्रदेश सरकार से अच्छे पैकेज, अच्छी योजनाएं और अच्छे लाभ की उम्मीद है, क्योंकि किसानों का अगर मुनाफा होगा, खेती में आय बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का विकास होगा, आम लोगों का विकास होगा। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के इस बजट को लेकर किसान क्या सोचते हैं, क्या किसानों को चाहिए, उन सबको जानने के लिए हम ग्वालियर के पास एक गांव में आए हैं, जहां हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई हैं, बहनें हैं, और इनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार के आने वाले बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं। आजकल किसान भी आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आधुनिक तरीके से खेती कर रहा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड किसानों का भी बदल रहा है। गिरिराज जी, किस तरह का जो बजट है उसमें क्या चाहते हैं आप किसान होने के नाते? बजट में एक किसान तो मूल सुविधाएं चाहता है, जैसे किसान बीज खरीदता है, उर्वरक खरीदता है, या किसान को खाद लगता है उस पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, बीज पर भी सब्सिडी रहे, किसान जो ऋण लेता है उसमें भी सब्सिडी मिले। दूसरा, जल संरक्षण के लिए सरकार को और नियम अच्छे करने चाहिए, जिससे किसान पानी का संरक्षण हो सके और सिंचाई सुविधाएं बढ़े। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सरकार कर सकती है, किसानों के लिए जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, उसमें बहुत छूट दी जाए, जिससे जो यूरिया की जो उपयोग है वो कम हो, जिससे खेती गहरीली और मिट्टी खराब हो रही है ये खराब नहीं हो, किसानों की मिट्टी का परीक्षण हो, उसमें सुधार कैसे आए, ये सारी चीज़ें सरकार को बजट में लानी चाहिए। क्या सोचता है आज का किसान कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है उस बजट में क्या लाभ होना चाहिए, किसानों को क्या मिलना चाहिए? मध्य प्रदेश में किसानों के लिए धान है, बाजरा है, इनमें एक तो क्या है, पहले से समर्थन मूल्य थोड़ा सा बढ़ना चाहिए महंगाई के हिसाब से, तो बनिया व्यापारी वर्ग तो हल बढ़ा देता है, लेकिन किसान है उनका अगर समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो वो लाभ होगा। उसके सौर ऊर्जा प्लांट के लिए अभी बहुत मारामारी हो रही है, उससे क्या किसानों के लिए सौर ऊर्जा अगर घर में उनके यहाँ लग जाएगी कुओं में, तो वो आसानी से अपनी लाइट चालू कर सकते हैं, उससे मोटर चालू करके आसानी से पानी भरा सकते हैं। और सब्जियों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे अपने मध्य प्रदेश में सब्जी बाहर से आ रही है, मध्य प्रदेश का किसान अगर सब्जी उगाएगा तो उसकी पहले से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसी के साथ ये ना किसानों के बच्चों के लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए, हर तहसील में उनके लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए ITI कॉलेज खोलनी चाहिए, और उर्वरक खादों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक प्रोत्साहन करना चाहिए, जैविक खाद बनाने के लिए किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। क्या सोचते हैं आप बजट को लेकर? आप लोग जागरूक किसान हैं, लगातार जो है बेहतरी हो रही है। सबसे पहले तो सरकार को बजट में वृद्धि करना चाहिए किसानों के लिए। जो बजट है अभी सभी का स्तर ऊंचा हो गया है, लेकिन किसान आज भी उसी स्थिति में है। आप महंगाई देखिए, हर चीज़ की चीज़ बढ़ रही है, लेकिन किसानों की चीज़ों को आज भी उसी स्तर पर रखा गया है। सरसों जो आज से 8 साल पहले 5 साल पहले भी 5,000 रुपये 6,000 रुपये 8,000 तक बिकी, आज 5,000 रुपये बिक रही है। तो समर्थन मूल्य में भी वृद्धि होना चाहिए, और किसानों का जब बजट बढ़ेगा तो उनको सब्सिडी भी मिलेगी। उनके संयंत्र जो किसानी खेती में जो उपयोग होते हैं, उन संयंत्रों की रेटों को आधा करके जो जितनी सब्सिडी सरकार दे सकती है किसानों का स्तर बढ़ाने के लिए, वो करना चाहिए। डीजल पेट्रोल की जो दरें बढ़ रही हैं उस हिसाब से खेती की जो रेटें हैं वो कम है, क्योंकि किसानों की जितनी भी आमदनी होती है वो किसान के जो धान वगैरह है, सरसों है, जो खेती से होता है, उसकी भाव बढ़ना चाहिए और उनको सब्सिडी भी बढ़ना चाहिए संयंत्रों पे। क्या सोचते हो आप किसान होने के साथ साथ की खेती में क्या होना चाहिए, डीजल पेट्रोल तमाम चीजें जो है, क्या सोचते हो? पानी की व्यवस्था करना चाहिए, पानी कम मल ले आए खेती को, और बाजरा माजरा की कीड़े मीड़े की दवाई बहुत ज्यादा बिजली लग रही है, बिजली बहुत कम आ रही है, लाइट भी कट जाती है। उपलब्धता बढ़ानी चाहिए, हाँ बिजली की उपलब्धता बढ़ाना चाहिए। आप ही बताइए कि किसान होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है उसमें किस तरह के क्या प्रावधान है? किसानों के लिए सब्सिडी के सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनके लिए डीजल है, डीजल के अलावा जैसे सोलर लाइट है, इनकी सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि बीज खाते हैं उनके लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए, सबसे ज़्यादा सब्सिडी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आप ही बताइए कि जो खाद बीज है, खाद बीज को लेकर भी कई बार मारामारी नज़र आती है,
किस तरह के हालात बन रहे हैं, बजट में आप क्या चाहते हैं? किसान के लिए खाद लेने के लिए सरकार को उचित वो करना चाहिए कि उनको आसानी से खाद मिले और वो अपनी खेती करें और उनके सब्जी ले। तो निश्चित तौर पर कई किसान हैं, युवा किसान भी इनसे जानेंगे। आप भी बताइए कि आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है कुछ समय बाद, तो क्या सोचते हैं आप? जो किसानों को जो नुकसान होता है बरसात से, उसके लिए बजट में देना आना चाहिए और जो मुआवजे की दिक्कत है, मुआवजे की दिक्कत है उससे क्या है, वो किसानों को वो नुकसान होता है उसका मतलब वो उसका वो तो मिले भरपाई। अम्मा क्या क्या सोचती हो आप खेती बाड़ी को लेकर, बजट आने वाला है, क्या कहना चाहोगी? क्या कहना चाहते हैं जी, कहना चाहते हैं कि महंगाई हो रही है, महदाई होना चाहिए खाद कूड़े की और का खाद की महंगाई, सवाई दवाई की बीज की सबकी यही महंगाई है और भाव भी बढ़ना चाहिए। हाँ और वो टेम आता तो मददी हो जाता चाहिए बिल्कुल। क्या क्या चीज चाहती है आप, इनके भाव बढ़ना चाहिए आपकी? अब सवाई सब्जी की भाव बढ़ना चाहिए। क्या सोचते हैं भाई, जब आप जो बजट आ रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, क्या चाहते हैं आप किसान? हम मध्य प्रदेश सरकार से ये चाहते हैं कि जो किसान दिन रात मेहनत करता है और फसल को बड़े तरीके से उसको मेहनत करके उगाता है, उनको उनका उच्च मूल उनको नहीं प्राप्त होता। जैसे कि बरसात हो जाती है, किसान बहुत मेहनत करके उस फल को उगाता है, उसके बाद बरसात के बाद वो है नष्ट हो जाता है। इसके लिए उनको बीमा, एक बीमा जैसी सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे कि कुछ गांव में अपन जाते हैं कि नहर का पानी आता है, नहर के पानी से ही सिंचाई होती है, उस नहर का पानी समय पे नहीं दिया जाता, इससे फसल का नाश भी होता है और फसल समय पे नहीं हो पाती। नहर के आसपास रोड बनना चाहिए। जैसे कि कुछ गांव में अपन जाते हैं कि नहर का पानी आता है, नहर के पानी से ही सिंचाई होती है, उस नहर का पानी समय पे नहीं दिया जाता, इससे फसल का नाश भी होता है और फसल समय पे नहीं हो पाती। नहर के आसपास रोड बनना चाहिए और जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है वहाँ सौर ऊर्जा का व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि हर एक किसान सक्षम नहीं होता कि डीपी रखा सके। अगर हर एक डीपी रखा देगा तो किसान का बिल किसान के ऊपर आता है, एक किसान रखा देगा उसके ऊपर बिल इतना रख देते हैं कि वो उसकी जमीन पूरी बिजली में ही डूब जाती है। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पर फोकस दें और किसानों को सब्सिडी के साथ सौर ऊर्जा का लाभ दिलवाएं और जहाँ पर नहरें, जहाँ पानी नहीं आता, उन नहरों को पक्का करा जाए और उसके बगल से रास्ता भी डाला जाए। खाद है, खाद आज चरम सीमा पर है, खाद आता है 700 रुपये का, उसको देते हैं 7000 रुपये का, तो उस पर भी किसानों के लिए विशेष रूप से एक कोर कमेटी बनाकर, बीज के लिए खाद के लिए एक कोर कमेटी बनाकर उसका किसानों को लाभ दिया जाए और उच्च मूल में जो ये फसल उगाते हैं उनका मूलधन बढ़ाया जाए, क्योंकि आज किसान जी जान से मेहनत करता है, उनको उसका उच्च मूल नहीं मिल पाता, इसलिए किसान परेशान है। आप ही बताइए कि नहरें जरूरी है, बांध ग्वालियर जिले में है लेकिन क्षमता कम है, क्या लगता है आपको जो बड़े बांध है वहाँ से नहरें जाल बिछना चाहिए, क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर नहरों का बड़ा जाल बिछना चाहिए और पानी की उपलब्धता की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, पानी का भंडारण बने बढ़े जिससे नहरों में पानी जाए और जो बांध का पानी उपयोग में आता है उससे खेत खराब नहीं होता, खेत की मिट्टी खराब नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग का पानी उपयोग करने से खेत की मिट्टी खराब होती है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसानों को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए और मिट्टी सही रहे इसके लिए अस्वच्छ पानी का और बांधों के पानी का और वर्षा का जो जल है इसको कैसे भी संरक्षित करके जो उपयोग हो जिससे भूजल स्तर भी बढ़े। बस तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से किसानों को कई उम्मीद है। किसानों का कहना है कि सौर ऊर्जा के लिए किसानों के लिए सब्सिडी सरकार बढ़ाए, प्रावधान करे, इसके अलावा सिंचाई के साधन बढ़ाए, साथ ही खाद बीज और जो केमिकल वाली खेती है उससे निजात दिलाने के लिए सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को और भी संसाधन उपलब्ध कराए, साथ ही जो कृषि के संयंत्र है, यंत्र है, उन पर सब्सिडी बढ़ाए, इसके अलावा जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या है बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किसान चाहते हैं कि सौर ऊर्जा पर सरकार का ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसमें किसानों को और भी सब्सिडी और राहत मिलना चाहिए ताकि किसानों को जो है खेती का धंधा, लाभ का धंधा बन पाए और वहीं
आम लोगों को भी अच्छे जो उत्पाद है, चाहे वो फसल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे अनाज हो, वो बेहतर मिल पाए। तो इन किसानों की जो मांग है या जो इच्छाएं हैं मध्य प्रदेश के बजट को लेकर, ये हमने आपको सुनाई है। आगे और भी किसी वर्ग से बात करेंगे और वो क्या चाहता है बजट पर, ये भी आपको दिखाएंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर।